कि आप पटना का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आप पटना टूरिज्म के बारे में एक एक चीज़ डिटेल में जानना चाहते हैं, सो यू आर ऑन द राइट वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको पटना टूरिज्म के बारे में एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे आपको पटना घूमने में बहुत हेल्प मिल सकती है। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि वहाँ के सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस कौन से हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें चीपेस्ट होटल कहाँ मिल सकता है, और उसके बाद हमें नाइट लाइफ भी तो इन्जॉय करनी है, इसलिए हम पता करेंगे कि नाइट लाइफ कौन कौन से हैं पटना में, जहाँ हम अपने नाइट को इन्जॉय कर सकते हैं, वहाँ डिनर कर सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं, और उसके बाद हम पता करेंगे कि हम कहाँ घूम सकते हैं। अगर मान लीजिए घूमना है हमें, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी बाइक, कार, टैक्सी, इन सब चीज़ों की, तो हम कहाँ से रेंट पर ले सकते हैं या फिर बुक कर सकते हैं। और फिर चलेंगे हम महावीर मंदिर की तरफ, जिसको थोड़ा सा हम उसके बारे में भी जानेंगे, जहाँ पे वही पत्थर रखा हुआ है जो कि राम जी ने पुल बनाते समय यूज़ किया था, और वह लिटरली फ्लोट करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। और लास्ट में हम सबसे लास्ट में जानेंगे कि हम पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं पटना टूरिज़्म के लिए। हमें जब पटना घूमने जाना होगा तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और वो पैसा कहाँ से आएगा, सो उसके बारे में भी हम जानेंगे, कुछ वेज मैं आपको बताऊँगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी यूज़फुल कंटेंट मिलने वाला है। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा एम है इस वीडियो के थ्रू 1000 सब्सक्राइबर टच करने का। सो आपके बिना ये तो मैं कर ही नहीं सकता, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही मेरे चैनल पर हो जाएंगे, मैं एक गिव अवे करूँगा, और उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बस करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप जो मन लिखना चाहे मेरे चैनल के बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले द 7 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ पटना। नंबर 7, महावीर मंदिर। यह मंदिर पटना जंक्शन के जस्ट सामने में स्थित है। यह हनुमान जी का इंडिया में सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जिसे 17th सेंचुरी में बनवाया गया था। इस मंदिर की एक खासियत है, जो राम सेतु पुल जिसे राम जी ने बनवाया था, वहाँ के पत्थर इस मंदिर में रखे हुए हैं, जो कि लिटरली फ्लोट करते हैं। वहाँ जब आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पत्थर पानी पे फ्लोट करते हुए आपको नज़र आएंगे। इसका लोकेशन है पटना जंक्शन के जस्ट सामने, और इसका टाइम है 5:30 बजे या सुबह मंदिर खुल जाता है, वही 10:30 बजे रात को बंद हो जाता है। तो इस बीच में कभी भी आप महावीर मंदिर को विजिट कर सकते हैं। नंबर 6, पटना म्यूजियम। अगर आपको पटना और बिहार के हिस्ट्री को जानना है, हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो आप पटना म्यूजियम को ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ पे 20,000 से भी ज़्यादा थिंग्स रखे हुए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। इसे 1917 में बनवाया गया था, और इसे जादूघर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हर साल 8 लाख से भी ज़्यादा विजिटर्स आते थे 2007 तक, आज तो ये आंकड़ा डबल हो चुका होगा। मैं आपको जो आंकड़ा बता रहा हूँ वो 2007 का है। इसकी लोकेशन की बात करें तो यह बुद्धा मार्ग पटना में स्थित है। टाइमिंग की बात करें तो इसे आप 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे शाम तक आप घूम सकते हैं, इसे देख सकते हैं। फीस की बात करें तो यहाँ मात्र 15 रुपये पर पर्सन फीस है। नंबर 5, गोलघर। जब भी हम पटना को सुनते हैं, हमारे माइंड में हिट करता है गोलघर, जिसे 1886 में बनवाया गया था। इसे एक अनाज घर के तौर पे बनवाया गया था, लेकिन इसके कुछ मैकेनिकल फॉल्ट ये था कि जो गेट थे वो अंदर की तरफ से खुलते थे, तो हम पूरे गोडाउन को भर नहीं सकते थे, इसलिए इसे बाद में टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। गोलघर के ऊपर जब आप चढ़ेंगे तो वहाँ से पटना का व्यू काफ़ी अमेजिंग होता है, तो जब भी आप गोलघर जाएं, इसके ऊपर जरूर चढ़ें। इसका लोकेशन है अशोक राजपथ, छज्जू बाग, पटना। टाइमिंग है 6:30 बजे से 4:30 बजे तक आप यहाँ घूम सकते हैं, और फीस की बात करें तो यह टोटली फ्री है। नंबर 4, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क। इसे पटना जू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे 110 स्पीसीज के 800 से भी ज़्यादा जानवर रहते हैं। यहाँ जाके लेपर्ड को देख सकते हैं, टाइगर देख सकते हैं, वाइट पिकॉक, लायन, जिराफ, जेब्रा और क्रोकोडाइल, एनोकोंडा और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनको आप देख सकते हैं। आपको यहाँ हिपोपोटामस और राइनोसोरस भी देखने को मिल जाते हैं।
तो जब भी आपको मौका मिले आप यहाँ जरूर जाएं। यह पूरे के पूरे 153 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी खासियत की बात करें तो इसकी एक और खासियत है जो कि है यहाँ पे आप ट्रेन राइड कर सकते हैं और बोट राइड भी कर सकते हैं। और इसके लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन है राजभवन बेली रोड पटना। नंबर 3 अगम कुआं। अगम कुआं को अशोका ने बनवाया था। उन्होंने इसे इसलिए बनवाया था ताकि वो अपने प्रिजनर्स को, कैदियों को भारी दंड दे सके। वो क्या करते थे, जो कुआं होता था उसमें आग जला के सीधा प्रिजनर्स को उसमें फेंक देते थे। इतना क्रूर उसको दंड दिया जाता था। इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो यह 105 फीट गहरा और 15 फीट चौड़ा है। इसके लोकेशन की बात करें तो यह रानीपुर नियर गुलजार बाग पटना में स्थित है। नंबर 2 गांधी घाट। गांधी घाट को पटना घाट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हर शाम 6 से 6:30 के बीच में गंगा आरती होती है, तो वहाँ आप जरूर जाएं। और दिन में भी आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। कहते हैं ना कि गंगा में नहाने से, स्नान करने से इंसान के आधे पाप धुल जाते हैं, तो आप यहाँ जाके गंगा स्नान कर सकते हैं। साथ ही आप इसके सीनिक व्यू को, आप गंगा घाट के किनारे बैठ के इसके सीनिक व्यू को देख सकते हैं। तो जब भी आप पटना जाएं गंगा आरती को जरूर विजिट करें। इसका टाइमिंग भी है 6 से 6:30 के आसपास में गंगा आरती होती है। लोकेशन की बात करें तो यह पटना में स्थित। नंबर 1 तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना। इसे पटना साहिब गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। इसे गुरु गोविंद सिंह की याद में बनवाया गया था, जो कि एक सिखों की होलीएस्ट प्लेसेस में से एक है। इसका लोकेशन है पटना साहिब बिहार और यहाँ आने का बेस्ट टाइम है अप्रैल, जुलाई एंड नवंबर। यह बात हुई 7 टूरिस्ट प्लेसेस इन पटना की। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आए तो कब आए, कैसे आए, कहाँ घूमे, कब घूमे, कहाँ रहें और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, क्या खाएं, क्या पिए, क्या लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आने का बेस्ट सीज़न क्या है। तो यहाँ आने का बेस्ट सीज़न है अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में। बात करें कि कितने दिनों के लिए यहाँ रुका जा सकता है, तो यहाँ पे 2 से 4 दिन के लिए आप रुकिए, इतना सफिशियंट है पूरा पटना घूमने के लिए। बात करें कि बजट क्या होगा, तो नॉर्मल बजट होगा इसका 3,000 से लेके 6,000 तक। आप उससे ज़्यादा में भी कर घूम सकते हैं, उससे कम में भी घूम सकते हैं, लेकिन यह नॉर्मल बजट है। बात करें कि यहाँ का सबसे फेमस फूड क्या है, तो सभी को पता है कि बिहार का सबसे फेमस फूड लिट्टी चोखा है, तो उसे ज़रूर ट्राई करें। साथ ही आप आलू पराठा ट्राई करें, उसके बाद भुजा घूघनी ट्राई करें और कढ़ी बड़ी को यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ का मेन बस स्टैंड क्या है, तो यहाँ का मेन बस स्टैंड है मीठापुर बस स्टैंड। मेन रेलवे स्टेशन है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है PNBE। और यहाँ का मेन एयरपोर्ट है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका एयरपोर्ट कोड है PAT। बात करें कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाएं क्या हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ हिंदी बोली जाती है, भोजपुरी भी कई सारे लोग बोलते हैं, मैथिली, मगही और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं यहाँ। सो पटना के टूरिस्ट प्लेसेस को जानने के बाद हम चलेंगे पटना के चीपेस्ट होटल्स की खोज में, जहाँ हम जानेंगे कि हमें चीपेस्ट होटल्स कहाँ पे कैसे मिल सकती हैं। और हाँ, आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो को काफ़ी अलग अलग दिनों पे रिकॉर्ड किया हूँ। इनके अलग अलग शॉर्ट वीडियोस आपको एक एक टॉपिक वाइज मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मैं नीचे उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, साथ ही मैं वीडियोस के भी अलग से लिंक दे दूँगा। तो अगर आप छोटे छोटे वीडियोस देखना चाहते हैं इसी वीडियो के तो आप उसको देख सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। तो चलिए जानते हैं पटना के 7 चीपेस्ट होटल्स के बारे में। मैं जो होटल्स को बताने वाला हूँ उनमें से कुछ होटल्स ऐसे हैं जो कि अनमैरिड कपल्स को अलाउड नहीं करते हैं, और कुछ होटल्स हैं जो कि अनमैरिड कपल्स को अलाउड करते हैं। इसमें मैं पब्लिक रिव्यूज़ को भी शामिल किया हूँ चीपेस्ट होटल्स के साथ में। और मैं आपको जितने भी होटल्स बताने वाला हूँ उसमें पर नाइट का कितना चार्ज लगता है 2 लोगों का, उसको मैं आपको बताऊँगा। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। नंबर 1 होटल अमित लॉज, जिसकी रेटिंग GoIBIBO पे है 3.3 की। यहाँ के स्टाफ्स का बिहेवियर बहुत अच्छा है, लेकिन यह होटल थोड़ा पुराना है। इसके चेक इन टाइम की बात करें तो आप यहाँ 10 बजे जा सकते हैं और साथ ही आप चेकआउट कर सकते हैं 12 बजे अगले दिन। वन नाइट स्टे की सुविधा यह होटल देता है। यहाँ पे आप सिर्फ 542 रुपये में 2 लोग रुक सकते हैं। नंबर 2 मातृ होटल,
जिसका रेटिंग है गोआईबीबो पे 3.3 का। यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है, साथ ही स्टाफ्स का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपको शेयरिंग बाथरूम मिलता है तो या सोलो ट्रैवलर्स के लिए या फिर मेल ट्रैवलर्स के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको 447 रुपये में, सिर्फ 447 रुपीज़ में दो लोगों को एक नाइट के लिए स्टे का सुविधा मिल जाता है। यहाँ का चेक इन टाइम है 12 बजे, चेकआउट टाइम भी है 12 बजे, 24 घंटा का यह आपको टाइम देते हैं। नंबर 3 पे है शुभ सार्थक होटल, जिसकी रेटिंग थोड़ी सी ख़राब है जो कि है 2.9 की, लेकिन यहाँ पे अनमैरिड कपल्स अलाउड है और यह पूरे पटना में सबसे चीपेस्ट होटल है जहाँ पे अनमैरिड कपल्स अलाउड है। यहाँ पे आप बिना आईडी प्रूफ, मतलब लोकल आईडी प्रूफ के साथ भी विजिट कर सकते हैं। पीपल्स के रिव्यू को देखें तो उन्होंने इस होटल को थोड़ा अनहाइजेनिक बताया है, लेकिन इतना सा तो चलता है क्योंकि इसका प्राइस जो है वो है 653 रुपीज़ दो लोगों के लिए। इसका चेक इन टाइम है 12 बजे दिन में, चेकआउट टाइम भी है 12 बजे दिन में, 24 घंटा का यह आपको स्टे देते हैं। नंबर 4, फेलो फार्म होम स्टे, जो कि अनमैरिड कपल्स को भी अलाउ करता है किसी भी आईडी प्रूफ के साथ, लेकिन मेरी माने तो आप आधार कार्ड जहां भी जाएं ज़रूर साथ ले जाएं। आधार कार्ड से हर एक होटल में आप वेरीफाई करा सकते हैं अपने आइडेंटिटी को। इसकी पब्लिक रिव्यूज़ मुझे नहीं मिल पाई हैं, लेकिन यह होटल आपको 841 रुपीज़ में वन नाइट का स्टे देता है दो लोगों के लिए। इसकी चेक इन टाइम की बात करें तो यह 12 बजे इसका चेक इन टाइम है, 11 बजे आपको यहाँ से चेकआउट करना होगा अगले दिन, तो यह 23 घंटे का आपको स्टे देते हैं। नंबर 5 पे है होटल मनी इंटरनेशनल, जिसका रेटिंग है 3.7 का, जिसका चेक इन टाइम है 12 बजे और चेकआउट टाइम है अगले दिन 11 बजे। यह भी अनमैरिड कपल्स को अलाउ करते हैं। इनकी जो स्टाफ बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको 878 रुपीज़ में होटल्स प्रोवाइड करते हैं, रूम्स प्रोवाइड करते हैं दो लोगों के लिए। नंबर 6 पे है होटल शुभ यात्रा, जिसने ओयो की भी फ्रेंचाइजी ले रखी है। इसकी रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग है 3.3 की, 926 रुपीज़ में या 2 adults को रुकने देते हैं वन नाइट के लिए, और यह होटल गो सेफ सर्टिफाइड होटल है। नंबर 7 पे है, थोड़ा महंगा आपको लगेगा लेकिन पब्लिक रिव्यू के हिसाब से बेस्ट होटल पटना का, सबसे चीपेस्ट में, होटल बुद्धा हेरिटेज, जिसकी रेटिंग की बात करें तो यह है 4.3 के रेटिंग के साथ, जो कि टॉप पे है, और 2235 रुपीज़ में आपको दो लोगों के लिए पर नाइट का स्टे देते हैं। आप यहां पे 12 बजे चेक इन कर सकते हैं, अगले दिन 11 बजे आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहीं थे 7 होटल्स जो कि पटना में आप विज़िट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे होटल्स हैं जिनको आप गोआईबीबो पे, मेक माई ट्रिप पे, इन साइट्स पे आप चेक कर सकते हैं, और आप इन होटल्स की भी बुकिंग इन्हीं साइट्स पे कर सकते हैं। अगर आप 18 ईयर से नीचे हैं तो आपको बहुत सारी होटल्स ऐसी हैं जो कि चेक इन की सुविधा नहीं देती हैं, आपको क्वारंटाइन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने होंगे, और बहुत सारे होटल्स आज के डेट में आपको कहीं से भी आप हों आपको चेक इन की सुविधा दे देते हैं। अगर आपको फीवर ओवर है तो बहुत सारे होटल्स उसमें आपको अलाउड नहीं करेंगे इस कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे। आप ज़रूर चेक कर लें कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट होता है कि कैशलेस पेमेंट अवेलेबल है, सारे होटल्स का आप ज़रूर चेक कर लें। मैं जितने भी होटल्स को आपको बताया हूँ उनमें मैं ग्राउंड रियलिटी को चेक नहीं किया हूँ, मैं सारा ऑनलाइन सर्च किया हूँ आपके लिए और उसके बाद आपको बता रहा हूँ। तो जिस भी होटल को आप बुक करना चाहें, पहले गोआईबीबो पे या फिर मेक माई ट्रिप पे जाएं, वहाँ पे उनके डिटेल्स देखें, उनके फ़ोटोज़ देखें, सब चीज़ पता कर लें, और उसके बाद ही उस होटल में जाएं। हो सके तो उन्हें कॉल करके भी उनसे पूरी जानकारी ले लें, तभी उस होटल में जाएं। क्योंकि मैं जो आपको डेटा दे रहा हूँ, मैं जो आपको होटल्स को बता रहा हूँ, वो सिर्फ चीपेस्ट और थोड़े मोड़े पब्लिक रिव्यूज़ के ऊपर आपको बता रहा हूँ। तो जिस भी होटल में आप जाएँ, वहाँ का एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज @PrimeTen पे हमें DM करके आप हमें बता सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। अब पटना के टूरिस्ट प्लेसेस, वहाँ की चीपेस्ट होटल्स को जानने के बाद हम चलेंगे खोजने पटना के नाइट क्लब्स को, जहाँ पे हम अपनी नाइट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, हैंगआउट कैफे, जो कि पटना का मोस्ट पॉपुलर नाइट क्लब है, जो कि आपको गजब का एक्सपीरियंस देता है म्यूज़िक और डांस के मामले में। आप यहाँ पे बहुत सारे क्राउड को एंजॉय कर सकते हैं, जिसका लोकेशन है GB Mall, टाइमिंग है सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक, जिसका एवरेज कॉस्ट लगता है 300 रुपये पर पर्सन, प्राइस डिफर कर सकता है।
नंबर टू LBW, नहीं नहीं नहीं, ये लेग बिफोर विकेट नहीं है, ये लॉन्च बिफोर विकेट है, जो कि एक ग्रेट एक्सपीरियंस और सर्विस देता है अपने कस्टमर्स को। यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल चाइनीज नॉर्थ इंडियन फूड मिलेगा, आप यहाँ पे आउटडोर मतलब बाहर में भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। जिसका लोकेशन है राजवंशी नगर, टाइमिंग है सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक, और एवरेज कॉस्ट इस पे पड़ेगा 400 रुपये पर पर्सन। फिर से आपको बता दूं कि प्राइस डिफर कर सकता है। नंबर थ्री, इंडियन समर कैफ़े, यहाँ आप बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर सकते हैं डांस और म्यूज़िक को। यहाँ पे आपको डिलीशियस फूड मिलेगा और यहाँ का लुक काफ़ी ब्यूटीफुल है। लोकेशन है इसका गोलंबर रोड पटना, टाइमिंग है सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक, एवरेज कॉस्ट एक आदमी पर पड़ेगा आपको 400 रुपये। नंबर फोर, कैफ़े हाइड आउट, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्लेस है अपने लव्ड वंस के साथ यहाँ विजिट करने के लिए। अगर आप कपल हैं तो आप भी यहाँ पे विजिट करें, यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है। ये आपको वैरायटी ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं, साथ ही जो म्यूज़िक बजता है कैफ़े में वो काफ़ी मज़ेदार होता है। इसका लोकेशन है पाटलिपुत्र कॉलोनी, टाइमिंग है सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक, और एवरेज कॉस्ट है इसका 250 रुपये पर पर्सन। नंबर फाइव, द ब्रू कैस्टल, जो कि एक फंकी डेकोर के साथ टेस्टी फूड आपको प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे अगर आप एक अच्छे रीडर हैं तो यहाँ ज़रूर जाएं, क्योंकि ये आपको कुछ बुक्स के कलेक्शंस देते हैं जहाँ पे आप बैठ के रीडिंग कर सकते हैं। इसका लोकेशन है बोरिंग रोड पटना, और टाइमिंग है 12 बजे सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक, एवरेज कॉस्ट यहाँ पे पड़ जाता है 200 रुपये पर पर्सन। नंबर सिक्स, मोगैम्बोस, जो कि बेस्ड है मोगैम्बो और मिस्टर इंडिया कैरेक्टर के ऊपर। यहाँ पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है मोगैम्बो खुश हुआ, उसके सामने आप ज़रूर सेल्फी लें, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ सेल्फी लेते हैं। इसका लोकेशन है NIFT पटना मीठापुर, टाइमिंग है इसका सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक, एवरेज कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लगता है। नंबर सेवन, इको फ्रेंडली क्लब, जो कि अपने कस्टमर्स को बहुत गुड सर्विस और डांस के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ये नाइट पार्टीज़ के लिए जाना जाता है, जिसका लोकेशन है राजापुर मेनपुरा। और भी कई सारे नाइट क्लब्स और कैफ़ेज़ हैं पटना में जिसे आप विज़िट कर सकते हैं, जैसे कि वैशाली कैफ़े, जो कि आपको वैरायटी ऑफ फूड और डिलीशियस फूड प्रोवाइड करते हैं, और OS कैफ़े एंड ग्रिल है, जो कि पूरा स्पोर्ट्स लवर के लिए ही बना हुआ है, तो अगर आप स्पोर्ट लवर हैं तो वहाँ जा सकते हैं। साथ ही एक हॉट बॉक्स कैफ़े और डाइन इन है, जो कि GB मॉल के पास लोकेटेड है, तो वहाँ भी आप जाके नाइट लाइफ को अपने एंजॉय कर सकते हैं। हमने पटना के नाइट क्लब्स को देखा, अब हम चलते हैं ढूंढने कि हम पटना में कहाँ से बाइक, कार या फिर स्कूटी को रेंट पर ले सकते हैं। क्या आप पटना में घूमना चाहते हैं और आप टैक्सी या फिर ऑटो वाले को अपने 1000 रुपये नहीं देना चाहते, तो चिंता किस बात की है। आपके ट्रैवल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही तो सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पटना में कहाँ से बाइक, कार या फिर स्कूटी को रेंट पर ले सकते हैं या फिर बुक कर सकते हैं। और आपको ट्रैवल से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि पटना में हम कहाँ से बाइक, कार या फिर स्कूटी को रेंट पर ले सकते हैं। नंबर वन, राइड कैप्टन, यह हमारे लिस्ट में पहली एजेंसी है जो कि आपको कार, बाइक और बसेस को भी रेंट पर देती है। आप चाहें तो इनके ड्राइवर्स ले सकते हैं या फिर आप सेल्फ ड्राइव के लिए भी इनके व्हीकल्स को आप रेंट पर ले सकते हैं। यह आपको नॉर्मल कार्स के साथ ही लग्जरी कार्स भी प्रोवाइड करते हैं। यह आपको कई कंपनीज़ के बाइक्स और स्कूटीज़ को भी प्रोवाइड करते हैं। इसका लोकेशन है राजेंद्र पार्क, एग्जीबिशन रोड पटना, जिसका पिन कोड है 100001। यह 24 घंटे ऑपरेट करते हैं और इनके प्राइजेस मैं आपको नहीं बताऊँगा। इसके प्राइजेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। शायद आपके मन में सवाल आ सकता है कि मैं क्यों अभी आपको प्राइजेस को नहीं बता रहा हूँ, तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। कई बार ऐसा होता है कि प्राइजेस डिफ़र करते हैं, आज से एक साल बाद हो सकता है प्राइज कुछ ज़्यादा ही डिफ़र कर जाए, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जिस भी आप कंपनी या फिर एजेंसी के कार्स, बाइक्स या फिर स्कूटीज़ को रेंट पर लेना चाहें। तो
अब हो सकता है कि आपके मन में यह सवाल आए कि यहाँ पे आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं कैश के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और चेक के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यह इसकी बहुत बड़ा एडवांटेज है। नंबर टू, रैपिडो। इस कंपनी के बारे में आपने शायद सुना ही होगा। यह कंपनी भी आपको राइड कैप्टन की तरह ही बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। जो चीज़ इसमें अलग है वह मैं आपको बता देता हूँ। इसमें शायद आपको वह सेल्फ ड्राइव की सुविधा नहीं देते हैं, वो अपने ड्राइवर्स आपके साथ देंगे, आप उनके साथ घूम सकते हैं, आप जहाँ बोलेंगे वो आपको वहाँ ले जाएंगे। इनके प्राइजेस काफ़ी चीप होते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके प्राइजेस देख सकते हैं। इन्हें कैश से पेमेंट किया जाता है। इसका लोकेशन है डोमिनोज कंकड़बाग पटना, जिसका पिन कोड है 800020। यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ बाइक्स मिल जाते हैं, कार्स भी आपको, लग्जरी कार्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसको भी आप रेंट पर ले सकते हैं। नंबर थ्री, BSMN, जो कि आपको रैपिडो और राइड कैप्टन की तरह ही काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बाइक्स और कार्स अलग अलग तरह के आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप रेंट पर ले सकते हैं। इसका लोकेशन है शॉप नंबर 162 कंकड़बाग पटना, जिसका पिन कोड है 800020। इसका रेटिंग है 4 का और आप यहां पे कैश में या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और यह 24/7 ऑपरेट करते हैं। इनके प्राइजेस को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहां मैं आपको प्राइस बता दूंगा। और भी कई सारे एजेंसीज हैं जो कि आपको पटना में कार्स, बाइक्स और स्कूटीज़ को रेंट पर देती हैं, उन्हें भी आप चेक कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर उनके नाम शो हो रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दे दूंगा, वहां से आप जाके उन्हें पूरे चेक कर सकते हैं। और इसके बाद भी आपको कोई भी क्वेरी बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको इस वीडियो से इतना सा भी हेल्प हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम गाड़ी ले चुके हैं, अब हम चलेंगे पटना के महावीर मंदिर की तरफ, जहां हम जानेंगे वो वहां के हिस्ट्री, वहां के कल्चर, वहां के सोशल वर्क्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं पटना के महावीर मंदिर, जहाँ पर वही पत्थर रखा हुआ है जो कि राम सेतु में राम जी ने यूज़ किया था। नंबर वन, आस्था का केंद्र। यह मंदिर इंडिया के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जो कि अनादिकाल से पटना में बसा हुआ है। यहाँ पे हर साल बहुत सारे भक्त पहुँचते हैं और जो भी भक्त यहाँ पे सच्चे मन से, श्रद्धा से जो कुछ भी मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस मंदिर में जो भी डोनेशन का पैसा आता है उस पैसे को ज़्यादातर गरीबों के लिए यूज़ किया जाता है। मंदिर का जो ट्रस्ट है उसने महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल, महावीर आरोग्य हॉस्पिटल और भी बहुत कुछ इन्होंने गरीबों के लिए बनवाया है। नंबर टू, कैंपस ऑफ महावीर मंदिर। इस मंदिर को 1985 में दोबारा से किशोर कुणाल के द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर में रोज रामायण का पाठ होता है और यहाँ पे मंदिर में एक बुक स्टोर भी है जहाँ पे स्पिरिचुअल बुक्स मिलते हैं, तो आप जब भी यहाँ जाएं वहाँ से कुछ बुक्स जरूर खरीदें। इस मंदिर के कैंपस में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, माँ दुर्गा का भी मंदिर है। इस मंदिर में राधा कृष्ण, राम सीता, शिव पार्वती, नंदी, भगवान गणेश समेत सारे देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। नंबर थ्री, हिस्ट्री ऑफ महावीर मंदिर। यह मंदिर 1947 में पॉपुलर हुआ जब बांग्लादेश से आए शरणार्थियों ने इस मंदिर में शरण लिया और काफी दिनों तक उन्होंने यहीं पे अपना जीवन व्यतीत किया। नंबर फोर, सोशल वर्क्स बाय दिस टेम्पल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ डोनेशन का पैसा गरीबों के लिए यूज होता है, साथ ही उनको खाना खिलाया जाता है और कैंसर पेशेंट्स के लिए भी यहाँ पे डोनेशन दिया जाता है। नंबर फाइव, मंदिर का प्रसाद। यहाँ पे जो भी प्रसाद बनता है वो तिरुपति और आंध्रा से आए विशेषज्ञ बनाते हैं। इस प्रसाद को भगवान को चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही लोगों में बांटा जाता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिले हुए होते हैं वो होते हैं बेसन का आटा, चीनी, काजू, किशमिश, हरी इलायची और कश्मीरी केसर। कश्मीरी केसर जो कि कश्मीर के पम्पोर डिस्ट्रिक्ट से आता है वह वर्ल्ड का बेस्ट केसर माना जाता है और इन सारे चीज़ों को घी में बाद में पकाया जाता है। अब अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो आपको इसका लोकेशन भी पता होना चाहिए। इसका लोकेशन है पटना जंक्शन के जस्ट सामने।
आप किसी भी ऑटो या टैक्सी वाले को बोलेंगे वो आराम से आपको यहाँ पे छोड़ देगा। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम कौन सा है आने का, तो अगर आप हफ्ते का कोई दिन देखना चाहेंगे तो उसमें मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ बहुत धूमधाम होता है, तो आप उस दिन पहुँचें। अगर आप किसी फेस्टिवल के मौके पे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रामनवमी के मौके पे या फिर महावीर जयंती के मौके पे पहुँच सकते हैं। इस दिन यहाँ पे काफ़ी धूमधाम रहती है। सो इन सब रीजंस के कारण ही आपको महावीर मंदिर को ज़रूर विजिट करना चाहिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आप अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं सो थैंक यू सो मच। आप सभी के लिए यह चैनल हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, और आगे आने वाले टाइम पे मैं काफ़ी मज़ेदार वीडियोस इस चैनल पे डालने वाला हूँ। सो आप हमारे फैमिली को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं कि हम पटना घूमने के लिए पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन। क्या आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं पर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं जिससे आप जहाँ मन चाहे वहाँ घूम सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप महीने के 30 से 40 हज़ार तक कमा सकते हैं। और अगर आप एक ट्रैवलर नहीं हैं और आप इस वीडियो पे आ चुके हैं और आपको भी पैसे कमाने हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एट द एंड पैसा तो सबको चाहिए, चाहे वो ट्रैवलिंग के लिए हो चाहे वो किसी और चीज़ के लिए हो। मैं इस वीडियो में आपको पैसिव इनकम के आइडियाज़ नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसमें एक्टिव इनकम के आइडियाज़ बताऊंगा जिससे आप जल्दी से जल्दी पैसे कमा सकें। अगर आपको पैसिव इनकम नहीं पता है तो पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो कि आप एक बार करें और आपको रिवॉर्ड्स बार बार उसके मिलते रहें, लेकिन इसमें टाइम लगता है, साल डेढ़ साल दो साल का टाइम लगता है, तो मैं इसलिए ही आपको एक्टिव इनकम के आइडियाज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिससे हम महीने के 30 से 40 हज़ार मिनिमम कमा सकते हैं। वे नंबर वन, क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि आप गेम्स खेल कर भी पैसे कमा सकते हैं। शायद आपको इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा होगा, या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं वही एक एक दो दो रुपये वाली गेम्स को बताने वाला हूँ जिसको बाकी सारे यूट्यूबर्स बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेट पर ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर अपने गेम डेवलपर जो हैं वो अपने गेम्स को अपलोड करते हैं बीटा टेस्टिंग के लिए, और उसको टेस्ट करता कौन है? हम जैसे लोग। हमें वहाँ पे बस एज अ गेम टेस्टर साइन अप करना होता है, और वहाँ पे जो वेबसाइट्स पे गेम्स अपलोड हुई हुई रहती हैं उनको टेस्ट करके वेबसाइट पे फीडबैक देना होता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक प्रोफेशनल गेमर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप हाई क्लास गेम्स को भी टेस्ट करके पैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं, आपके पास एक छोटा सा स्मार्टफोन है, तब भी आप एंड्रॉयड गेम्स को टेस्ट करके पैसे अर्न कर सकते हैं। आप इसको playtestcloud.com, gametester.net पर जाके रजिस्टर करके वहाँ पे उन गेम्स को टेस्ट करके पैसे अर्न कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक घंटे गेम टेस्टिंग के लिए लगभग 10,000 तक भी वेबसाइट्स देते हैं, लेकिन अपना नसीब उतना तगड़ा नहीं है, शायद इतना ना मिल पाए हमें, लेकिन 1,000 तो मिल ही सकता है ना। तो 1,000 भी अगर एक दिन का मिलता है, एक घंटे का, तो 30 दिन में आप 30,000 तक कमा रहे होंगे। अगर आप 2 घंटा मेहनत कर देते हैं, 3 घंटा मेहनत कर देते हैं, तो आप 60,000 to 70,000 ईजिली कमा रहे होंगे। तो जाइए इन वेबसाइट्स पे, मैं इन वेबसाइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इन वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। वे नंबर टू, पैसे कमाने का जो तरीका मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो ऐसा काम है जिसमें आप सभी एक्सपर्ट हो, जो कि है ट्रांसक्राइबिंग का काम। अगर आपको पता नहीं है कि ट्रांसक्राइबिंग क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको एक ऑडियो फाइल या फिर वीडियो फाइल मिलती है जिसको आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना रहता है। साथ ही इसमें बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं हम जैसे, जो कि अपने कैप्शंस लिखते हैं, आपको जो कैप्शन दिख रहे होंगे वो कैप्शन लिखने के लिए आपको ये पे करते हैं। जो कैप्शन लिखे जाते हैं वो हिंदी, मराठी, बंगाली, जिस भी लैंग्वेज में कंटेंट क्रिएटर चाहता है वो लिखवाता है, तो आप भी जिस लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं उस तरह से उस काम को कर सकते हैं। इसमें एक और काम है जो कि है ट्रांसलेटर का, आप एक ट्रांसलेटर बन सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी ई बुक्स, अपने स्टोरीज लिखते हैं और वो चाहते हैं कि वो ग्रेटर ऑडियंस तक पहुँचे, लेकिन क्या होता है कि उनको सारे लैंग्वेजेस के तो नॉलेज नहीं है ना, तो क्या करते हैं, हम जैसे लोकल लैंग्वेज के जानकारों को खोजते हैं, जो कि एक कोई मराठी हो सकता है, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कुछ भी हो सकते हैं।
तो अगर आपको इन किसी भी लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट हो आप, तो आप इस काम को कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई आपको डिग्री नहीं मांगता, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगते, आप बिना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के भी इन कामों को कर सकते हैं। और इस काम को करने का, एक घंटे का कोई काम है मान लीजिए आपके पास, तो उसको करने के लिए 2,000 से 2,500 तक भी पे करते हैं, तो आप एट द एंड मंथ के एंड तक मिनिमम 30,000 to 40,000 कमा रहे होंगे अगर आप एक अच्छे किसी भी लैंग्वेज के जानकार हैं। तो वे नंबर 3, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो हो सकता है कि आपको फ़ोटोज़ खींचने में भी मज़ा आता हो, आप जहाँ जाते होंगे फ़ोटोज़ क्लिक करते होंगे, तो आप उन फ़ोटोज़ को सेल करके पैसे कमा सकते हैं। हम फालतू में अपने फ़ोटोज़ को फ़ोन में रखते हैं जिससे हमको कुछ नहीं मिलता है, लास्ट में क्या होता है 10 फोटो में से हम 8 फोटो डिलीट कर देते हैं, 2 फोटोज़ बच जाते हैं, लेकिन हम उन 10 के 10 फोटोज़ को सेल कर देंगे। कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम फ़ोटोज़ को सेल कर सकते हैं, जो कि है शटरस्टॉक, एडोब स्टॉक, अलामी, 500px.com, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम फ़ोटोज़ को सेल कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास एक DSLR होना चाहिए, उससे आप क्लिक किए फ़ोटोज़ को डालेंगे तभी बिकेगा, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्मार्टफोन से अच्छे फ़ोटोज़ खींच लेते हैं तो भी ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं, लोग खरीदते हैं, जेन्युइनली लोग खरीदते हैं उसको, तभी ये वेबसाइट्स चल रही हैं। और अगर आपके फ़ोन में अभी के अभी कुछ भी फ़ोटोज़ हैं, जाइए इन वेबसाइट्स पे डालिए, जैसे ही लोग कोई भी आपका डाउनलोड करेगा फ़ोटो को तो आपको पैसे मिलेंगे। हो सकता है शुरू में ना मिले, शुरू में कोई डाउनलोड ना करे, लेकिन जैसे जैसे आपके प्रोफाइल पे फ़ोटोज़ बढ़ती जाएंगे, ग्रेटर चांस होगा कि आप पैसे कमा रहे होंगे, और बहुत जल्दी आप कमाना स्टार्ट कर देंगे। आप महीने के इससे 60,000 to 70,000 ईजिली कमा सकते हैं, इतना नहीं तो 30,000 to 40,000 तो आराम से आप इजली आराम से आप अचीव कर सकते हैं। सो यही थे वो तरीके जिससे आप मंथली 30,000 to 40,000 ईजिली कमा सकते हैं और आप जहाँ चाहें वहाँ घूम सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, अगर मुझसे इस वीडियो में कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ 1,000 सब्सक्राइबर पहुँचा दीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।